नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सबका स्वागत है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। जी हां, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे अब से थोड़ी देर बाद आप देखेंगे एबीपी न्यूज पर। और मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नए अंदाज में ये सब कुछ होने जा रहा है, क्योंकि बेहद सटीक अनुमान के दिलचस्प आंकड़े बेबाक विश्लेषण के साथ मैं नेहा पंत आज की शाम एबीपी न्यूज पर 2019 से पहले सेमीफाइनल की तस्वीर और 2019 लोकसभा चुनाव का ट्रेलर आपके सामने रखने जा रही हूं। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ के रीजनल एक्सपर्ट्स और साथ ही साथ राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ, और उनके साथ यहाँ न्यूज रूम से मैं आपको बताऊंगी एग्जिट पोल के तमाम बड़े आंकड़े। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों ही बड़े राज्यों में बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो पिछले 15 सालों से बीजेपी का शासन है। सवाल यह है कि इस बार सरकार बचेगी या बदल जाएगी। हमारे साथ नेशनल एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में इस रिजल्ट का, आज जो एग्जिट पोल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, उसका क्या असर पड़ेगा। और साथ ही बड़े विश्लेषण के साथ सटीक विश्लेषण आपके सामने रखकर ये जानने और समझने की करेंगे कोशिश कि बीजेपी और कांग्रेस इन चुनावों में कहां मौजूद है। नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत। एबीपी न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रात 9 बजे आप एबीपी न्यूज के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगर ये अनुमान जो नेहा और चित्रा आपसे कुछ ही देर में आपके सामने रखने वाले हैं वो रिजल्ट्स यानी नतीजे में अगर बदल जाते हैं तो सरकार की दिशा और दशा कैसे बदलेगी, ये आप 9 बजे जानेंगे। और सिर्फ यही नहीं, मत भूलिए कि ठीक 5 साल पहले कुछ इसी तरीके से मोदी लहर की शुरुआत हुई थी, एग्जिट पोल और उसके बाद मोदी लहर बनना शुरू हो गई थी। तो इस बार ये मोदी लहर तेज हुई है या इसकी रफ्तार धीमी पड़ी है, और मोदी विरोधी गठबंधन इससे मजबूत होगा या फिर उसी तरीके से नया डावाडोल हो रही है। रात 9 बजे पोल ऑफ द पोल्स लेकर मैं आपके सामने मास्टर स्ट्रोक के साथ हाजिर होंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। और आपको बता दूं कि जैसे नेहा, चित्रा और रूबिका ने ये सीढ़ियां उतरी हैं, इस एग्जिट पोल के बाद ये तय होगा कि राजभवन की सीढ़ियां कौन चढ़ने वाला है, और उसके लिए क्या 2019 की राजनीति भी प्रभावित होगी, क्योंकि जो कुछ 18 के आखिर में हो रहा है वो 19 की शुरुआत में जाते जाते वो मोमेंटम बना रहेगा कि नहीं, ये भारतीय राजनीति की दशा दिशा तय होने वाली है। उसके लिए रात 8 बजे मेरे साथ सबसे बड़ी बहस देखिएगा, दोनों पार्टी के नुमाइंदों के साथ साथ आवाम हमारे साथ होगी, और जो ये बताएगी कि आखिरकार इन चुनावों में 19 के चुनावों के नतीजों पर क्या असर पड़ने वाला है। तो नेहा और चित्रा, आप दोनों तैयार हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद वोटिंग रुकने वाली है और उसके बाद वो जो अनुमान है वो आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल रूबिका, राजस्थान में 1 घंटे के बाद वोटिंग थम जाएगी, और इसका अब कैसा रहता है सर, वोटिंग परसेंटेज राजस्थान का क्या कहता है ये भी बताएंगे। और नेहा, आप अपने यहाँ जो मेहमान मौजूद है उनके साथ विश्लेषण करेंगी, और मैं जा रही हूँ नेशनल एक्सपर्ट सेंटर, जहाँ पर पहले से ही बहुत बड़ा पैनल एबीपी न्यूज पर जुड़ चुका है। बिल्कुल, तो राष्ट्रीय राजनीति की जो तस्वीर है उस पर चित्रा नजर रखेंगी, और आंकड़ों में एक एक बड़ा आंकड़ा जो होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का, वो हम आपके सामने रखेंगे। और इन आंकड़ों पर सुमित, आपके साथ जो मेहमान होंगे, कहां किसकी सरकार बन रही है, किसका खेल बिगड़ रहा है, मेरे ख्याल में उस पर सबकी नजर रहेगी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बहस से ही साफ होगा। आज तो केवल एग्जिट पोल है, आज तो बहाने तैयार होंगे कि हम एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं, जो हारेंगे वो नहीं मानेंगे, जो जीत रहे होंगे उनको स्वीकार करेंगे। लेकिन मजा तब आने वाला है नेहा, जब 11 तारीख को ये एग्जिट पोल, जो कि सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सैंपल साइज है हमारा, उस पर हम विश्लेषण करेंगे, उसके जरिए हम बताएंगे कि हम कितनों की नब्ज को सही तरीके से पकड़ पाए हैं। बिल्कुल, और उसका इंतजार हमारे दर्शक करते रहिए। तो सुमित, रात 8 बजे आपसे एबीपी न्यूज के दर्शक करेंगे मुलाकात खास मेहमानों के साथ। लेकिन रूबिका, पोल ऑफ पोल्स, इस पर सबकी नजर होगी, क्योंकि ये महा एग्जिट पोल होगा एक तरह से। नया ये ट्रेंड आपने देखा है ना कि चैनल में ये होता है कि एक पोल अगर आपने कर दिया एग्जिट पोल तो कहेंगे भाई आप लोग तो एक तरफ इंक्लाइन है। तो हमने कहा चलिए फिर हम सारे चैनल्स के पोल आपके पास लेकर आते हैं और हम महापोल आपके सामने रखते हैं, क्योंकि कई पार्टियां कहती है आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन जब पूरा का पूरा लब्बो लुबाव मास्टर स्ट्रोक आएगा ना नेहा, वो अलग ही अंदाज में आएगा और वो बड़े दिलचस्प होने वाले। लेकिन मैं 9 बजे की तैयारी करने जा रही हूँ। ऑल द बेस्ट, सारे आंकड़े हम इंतजार करते रहेंगे। और
हमारी ये जो पूरी टीम है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्सपर्ट्स पहले से ही मौजूद है, इनके साथ आपका तारुफ भी होगा। और बड़ी बात यह है कि हमने बेहद खास तैयारी एबीपी न्यूज पर की है आपके लिए। देखिए यहाँ एक्सपर्ट्स एक दो नहीं बल्कि सबसे बड़ा पैनल एबीपी न्यूज पर इस एग्जिट पोल का, पांच राज्यों का, आपके सामने तैयार है। बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं, नेशनल एक्सपर्ट सेंटर, जहां चित्रा त्रिपाठी राष्ट्रीय राजनीति पर इन पांच चुनावों के नतीजे किस तरह की तस्वीर पेश करेंगे वो बताएंगी। रीजनल एक्सपर्ट सेंटर जो आप देख रहे हैं, वहां पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मेहमान मौजूद हैं। जैसे जैसे रीजन्स और राज्यों के आंकड़े आएंगे, ये मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। और मैं मौजूद हूँ डेटा सेंटर में, मेरी एक तरफ आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के पांचों रीजन्स के पांच एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आपने देखा हमारे यहाँ पर जो डेटा सेंटर है उसमें लोग क्या कह रहे हैं, वहां क्या हलचल है, हम आपसे भी जानना चाहेंगे। हैं उनसे मैं बातचीत करूं, लेकिन उसके पहले बता दें मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं। और आपको बता दें इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने कहा, भी करो या मरो वाली लड़ाई कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि 15 सालों से वहां पर बीजेपी का शासन और 2013 में 165 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। लेकिन इस बार तस्वीर क्या होगी अपने इन मेहमानों से हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कि हमारे साथ राजस्थान के जो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। राजस्थान में कुल 200 सीटें हैं, शानदार प्रदर्शन करते हुए 163 सीटें बीजेपी ने जीती थी 2013 में, लेकिन इस बार क्या होगा ये जानेंगे अपने मेहमानों से। राजस्थान एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनका परिचय जान लीजिए आप। नमस्कार, मैं कुंजन आचार्य हूँ। राजस्थान की राजनीति पर 20 सालों से है मेरी निगाह। दक्षिणी राजस्थान की 35 सीटों का क्या रहेगा हाल, मैं आपको बताऊंगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। पांच राज्यों के चुनाव नतीजे आज, 2019 से पहले मोदी का सबसे बड़ा इम्तिहान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकार बचाने की चुनौती। क्या खत्म होगा कांग्रेस का सूखा? क्या मोदी को टक्कर दे पाएंगे राहुल? कौन जीतेगा 2019 का सेमीफाइनल? एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे। तो एबीपी न्यूज पर सबसे सटीक, धारदार और बहुत ही तेज नतीजे आप देखेंगे सॉलिड विश्लेषण के साथ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं घड़ी की सुई कह रही है 119 मिनट 9 सेकंड बाकी हैं। सुबह 8 बजे से सबसे विश्वसनीय नतीजे होंगे। एबीपी न्यूज ने खास इंतजाम किए हैं और अपने इस खास इंतजाम को आप तक पहुंचा रही है मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी। बिल्कुल नेहा, यहाँ पर बेहद खास इंतजाम हमने अपने दर्शकों के लिए, जो खास तौर से हमारे साथ सुबह 6 बजे से जुड़ चुके हैं, उनके लिए करके रखे हुए हैं। क्योंकि पांच राज्यों के ये चुनावी नतीजे न सिर्फ तय करने वाले हैं 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होगा, राहुल गांधी का क्या होगा, क्योंकि इनमें से तीन बड़े राज्य, तीन महत्वपूर्ण राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ पर आज जो रिजल्ट सामने आएंगे उनका सीधा सीधा असर 2019 की राजनीति पर भी पड़ेगा। नेहा देखिए 115 मिनट का इंतजार और बाकी, जिसके बाद पहला रुझान आ जाएगा सामने, सबसे तेज नतीजे, सबसे पहला रुझान हम आप तक पहुंचाएंगे। और उसके लिए क्या खास तैयारी हमने यहां पर कर रखी है, सबसे पहले आपको बता दें ये वो जगह है जहां पर काउंटिंग सेंटर पे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। ग्राउंड जीरो से, आपको बता दें ग्राउंड जीरो से सीधे यहां पर डेटा पहुंचेगा और वो डेटा सबसे पहले एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। एक्सपर्ट कुछ ही देर में आपके सामने होंगे, पूरी तैयारी भी उन लोगों ने कर रखी है। रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देंगे और उसके आंकड़े रखेंगे हम आपके सामने। पीछे चलते हैं, ये तो डेटा सेंटर के हमने बात की, थोड़ा पीछे चलेंगे, आपको बता दें अलग अलग रीजन जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश के हैं, वहां के एक्सपर्ट यहां पर हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन मारेगा बाजी। और जाहिर तौर पर आज के ये जो चुनावी नतीजे हैं वो 2019 की राजनीति भी तय करने वाले हैं और इसी वजह से इन लोगों से ये समझना बेहद जरूरी हो जाएगा, अगर बीजेपी जीतती है तो उसके पीछे की वजह क्या है, कांग्रेस जीतती है तो उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है। आइए थोड़ा और पीछे लेकर चलते हैं, पांच राज्यों में 100 रिपोर्टर की तैनाती, ग्राउंड जीरो पर 100 रिपोर्टर एबीपी न्यूज के हमारे तैनात हैं और ये आपको ग्राउंड रिपोर्ट ना सिर्फ करेंगे बल्कि एक एक सटीक सही आंकड़े भी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और इसी वजह से आप यहां पर देख पा रहे हैं हमारे तमाम रिपोर्टर्स की तैनाती अलग अलग जगहों पर हो चुकी है, तो यहां पर न्यूज रूम में बेहद भव्य तैयारी। और दोनों ही तरफ मैं आपको चाहूंगी, दोनों ही तरफ जो साइड स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, यहां पर अभी आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे, यहां पर जितनी भी बड़ी बातें होंगी इस साइड वॉल के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे।
तो हमारी ये तैयारी पूरी हो चुकी है, बस इंतजार है पहले आंकड़े का जो आएगा 114 मिनट के बाद। तो नेहा, यहाँ पर हमने बहुत खास तैयारी कर रखी है, अब से कुछ ही देर के बाद हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं, देश के जितने दिग्गज मेहमान हैं, वो यहाँ पर मौजूद होंगे और वो आपको बताएंगे कि आखिर आज की ये जो पांच राज्यों के, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इन पांच राज्यों के आज के जो नतीजे सामने आने वाले हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है और देश की राजनीति को कैसे तय करने जा रहे हैं। नेहा, बिल्कुल, तो देखिए सबसे बड़ा पैनल हमारे साथ होने जा रहा है, यानी राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स के साथ साथ एक एक सीट का हाल आप तक हमारे एक्सपर्ट्स पहुंचाएंगे और साथ ही रीजनल एक्सपर्ट्स होंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश के रीजन हो, चाहे वो राजस्थान के रीजन हो या छत्तीसगढ़ के तीन बड़े रीजन हो, एक एक सीट का हाल और तेलंगाना मिजोरम पर भी पैनी नजर होगी। हमें इंतजार है अब आकाशवाणी का। आप देख रहे हैं पांच राज्यों के चुनावों के नतीजे पर सबसे बड़ी कवरेज। हमारे साथ है राजनीतिक एक्सपर्ट का सबसे बड़ा पैनल। सबसे पहले आ रहे हैं एबीपी न्यूज के संपादक, राजनीतिक संपादक राज किशोर। पिछले 21 सालों से देश की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं राज किशोर, बताएंगे नतीजों का 2019 पर क्या असर पड़ेगा। राज किशोर, सीधा सवाल, आज कौन जीत रहा है? देखो नेहा, ये तय है इस बार कि जो एक तरफा मुकाबले होते चले जा रहे थे वो इस बार देखने को नहीं मिलेंगे। राजस्थान में संभवतः कांग्रेस आ जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुकाबला कांटे का है, ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। स्वागत है आपका, आइए। राजस्थान से रेगिस्तान यात्रा करके लौटे विजय विद्रोही बताएंगे राजस्थान की सभी 199 सीटों का रिजल्ट। 3000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा सिर्फ राजस्थान में विजय विद्रोही ने कर रखी है और राजस्थान की राजनीति पर पैनी नजर भी रखते हैं, जो हमें बताएंगे। आप पहले ऊपर आइए, इधर से साइड में चलेंगे। राजस्थान कौन जीत रहा है विजय? देखिए, मैं सुबह सुबह ऑफिस की तरफ आ रहा था तो ठंड थी बहुत, तो लोग आग ताप रहे थे, तो लकड़ी जल रही थी, तो लकड़ी थोड़ा इधर करते थोड़ा इधर करते कि आग और ज्यादा दहकती रहे, तो लकड़ी इधर उधर हो रही है। लकड़ी इधर उधर, मतलब अभी तय नहीं है कि कौन जीत रहा है, मुश्किल है। गैस, उज्ज्वला गैस के तहत जिन लोगों को चूल्हा मिला है वो तो आग वैसे ताप रहे हैं, उनको जला इधर उधर करने की जरूरत नहीं। अभी अपनी बातें बहुत गोल गोल घुमा रहे हैं, बैठिए सबसे, चलिए देखते हैं नतीजे क्या। राजनीति पर पकड़ रखने वाले सुमित अवस्थी बताएंगे मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों का रिजल्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति इस बार बेहद दिलचस्प हो चली है सुमित, 230 सीटें हैं, बीजेपी 15 सालों से वहां पर शासन में है। मैं चाहूंगी आप बताइए इस बार कौन जीत रहा है वहां। अगर मैं बता देता तो फिर आज चुनाव की विश्लेषण की जरूरत ही क्या है। जनता आकलन क्या कहता है? मेरा आकलन कहता है कि बहुत अच्छा मौका है इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए और उम्मीद करनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का बेस्ट परफॉर्मेंस इस बार होगा। सरकार बनेगी कि नहीं उसके लिए 2 घंटे और रुक जाते हैं। सरकार बनेगी या नहीं उसके लिए 2 घंटे का और इंतजार। आइए बैठिए, आपका भी बहुत स्वागत है। दिबांग हमारे साथ हैं और देखिए सबकी की नजर 2019 पर बनी हुई है। दिबांग, सीधा सवाल संक्षेप में, बीजेपी के लिए 3-0 या कांग्रेस 2019 की बात कर रही है तो सबसे जरूरी बात यह कि इन राज्यों में 65 सीटें हैं, 62 सीटें लोकसभा की 2014 में बीजेपी के पास रहें। अगर बीजेपी वो आंकड़ा नहीं पाती है तो यूपी में उनको मुश्किल है, यहाँ भी उनको और मुश्किल होगी। प्रदीप मुझे ध्यान से देख रहे हैं, इस पर चर्चा होगी। बिल्कुल, आइए। राजस्थान एक्सपर्ट कुंजन आचार्य बताएंगे दक्षिणी राजस्थान रीजन की 35 सीटों पर क्या होने वाला है। दक्षिण राजस्थान में भी पिछले बार जमकर कमल खिला था और इस बार तो उनके अली, हमारे बजरंगबली, इस तरह की बातें भी वहां पर सुनी गई। राजस्थान कौन जीत रहा है? देखिए, इस बार के जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो परिवर्तन का संकेत तो दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दक्षिणी राजस्थान में स्थिति का बहुत कांटे की टक्कर जैसी है, क्योंकि मतलब इस बार वहां पर कांटे की टक्कर देखने को। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा नुकसान मुझे लगता है कि बीजेपी नहीं करेगी, लेकिन फिर भी बराबर की टक्कर वहां होने वाली है। चलिए, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश, देखिए राहुल गांधी के लिए चुनाव के मायने क्या है ये मैं बताऊं अपने दर्शकों को, लेकिन उसके पहले इधर की तैयारी हमारी क्यों खास है वो जल्दी से हम बता देते हैं। आप पीछे ये जो सबसे बड़ी वॉल आप देख रहे हैं, 2013 में मध्य प्रदेश के हर सीट के नतीजों की स्थिति इस वक्त आपके सामने है, लेकिन जैसे ही घड़ी की सुई 8 बजाएगी उसके बाद यहां पर तस्वीर, जो रंग है इस वक्त आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा भगवा रंग और कम दिख रहा है नीला रंग। आपको बता दें ये 2013 की तस्वीर है जब 230 में से 165 सीटों पर बीजेपी और 58 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार क्या तस्वीर बदल जाएगी? 15 सालों का शासन जो बीजेपी का चला आ रहा है क्या वो तब्दील हो जाएगा? और यहां पर 2013 में राजस्थान के हर सीट के नतीजे भी आपके सामने और उस वक्त तो कमाल का प्रदर्शन बीजेपी की ओर से किया गया था। 200 में से 163 सीटें बीजेपी ने जीती थी और सिर्फ 21 सीटें ही कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी।
देखिए दावे जितने भी किए गए हैं अब तक, वो कहा जा रहा है कि राजस्थान में बदल रही है बयार और कांग्रेस की बनेगी सरकार, लेकिन सुबह सुबह जिन लोगों की नींद टूटी है वो तो ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी ही सरकार बनाएगी। विजय, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, रेगिस्तान यात्रा के साथ ही तमाम दूसरे भी कई बड़े कार्यक्रम राजस्थान में आपने किए हैं, ये जो संकेत हैं सुबह सुबह लोगों के, ये क्या दर्शा रहे हैं? नहीं, सुबह सुबह लोगों की अपनी इच्छा है, अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। जैसे महिलाएं ज़्यादा कह रही हैं तो वसुंधरा को लेके और महिलाओं के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट कर लेती हैं वसुंधरा, हो सकता है इसका असर हो। लेकिन ज़्यादातर जो पुरुष हैं वो सब तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि गाँव का सैंपल बहुत ज़रूरी है इसमें आना। ठीक है, राजस्थान किसके लिए रेगिस्तान बनने वाला है सुमित? देखिए, मेरा बहुत सिंपल सा कहना है कि सुबह सुबह जिन लोगों से हम लोग बात कर रहे थे ना, वो शहरी लोग थे, शहर के इलाके के। विजय जी ने बिल्कुल ठीक की, इस चुनावों में किसान और युवा ये दशा दिशा तय करेंगे, राहुल गांधी की भी और नरेंद्र मोदी की भी, तो उनको नहीं भूलना चाहिए। चलिए, उनको नहीं भूलना चाहिए। और कहा जा रहा है कि गांवों के जरिए ही राजस्थान की स्थिति और ज्यादा समझ में आ पाएगी। प्रकाश भंडारी जी हमारे साथ मध्य राजस्थान के एक्सपर्ट हैं। सर, सुबह सुबह लोगों ने तो बीजेपी के अच्छे दिन के संकेत दिए हैं, ऐसा होगा क्या? संकेत कुछ अलग होंगे, परिणाम जो आते हैं वो अलग होते हैं, संकेत कुछ अलग होते हैं। जब परिणाम आएंगे तो मालूम पड़ेगा कि बीजेपी से कांग्रेस कितनी आगे है। जब परिणाम आएंगे उसके बाद तस्वीर और ज्यादा बदल जाएगी। हम और भी अपने दूसरे एक्सपर्ट की जल्दी जल्दी रिएक्शन ले लेते हैं। क्या लग रहा है, राजस्थान से ऐसी ही खबर आने वाली है जो लोगों ने कहे हैं, या तस्वीर बदल जाएगी इस बार? कुंजन आचार्य जी, देखिए, असली मतदाता तो वही है, वो जो कह रहा है हो सकता है सही भी हो। और जो नतीजे हम लोगों ने एग्जिट पोल में देखे हैं, कई बार 2014 के चुनाव में हमने उल्टे भी देखे हैं, हो सकता है कि मतदाता जो कह रहा हो सही हो। वैसे यहाँ पर दर्शकों को मैं बता दूं, पिछले 15 सालों में राजस्थान में ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी 100 के आंकड़े को पार नहीं कर पाई। आपको बता, ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए, माता का क्या मंतव्य है, माता का क्या आशीर्वाद मिलता है, ये तो माता रानी ही समझ सकती है। माता के आशीर्वाद को कोई भान नहीं कर सकता है। पर कुंजन जी, माता रानी का आशीर्वाद सबको मिलता है, लेकिन उसकी जरूरत किसको कितनी ज्यादा है? मतलब बहुत कुछ दाव पर है वसुंधरा का, इसीलिए पूरी आस्था के साथ गई है माता रानी का आशीर्वाद लेने। देखिए, जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, वो हमेशा जब भी परिणाम आते हैं हर चुनाव में, तब त्रिपुरा सुंदरी के शरण में होते हैं। त्रिपुरा सुंदरी की मान्यता बहुत ज़बरदस्त हैं और बहुत आस्था का ज्वार रहता है वहाँ पर। मुझे लगता है कि हर बार सबको आशीर्वाद मिलता है, तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री वहाँ है तो उनको भी आशीर्वाद मिलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन देखिए, जनता ने जो अपनी बात है चित्रा, वो तो ईवीएम में डालकर कैद कर दी है। भगवान से आशीर्वाद जो है वो अपनी जगह, लेकिन जनता क्या कहेगी उस पर हमारी नजर रहेगी। और पहला आंकड़ा आने में अब सिर्फ 53 मिनट बाकी है। चित्रा, ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। साउथ रीजन की हम बात कर लेते हैं। कुल 35 सीटें राजस्थान की 200 सीटों में से दक्षिण से आती हैं, दक्षिण राजस्थान से। और यहां पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, ये महत्वपूर्ण जिले आते हैं। साउथ रीजन की हम बात कर रहे हैं। और अब जल्दी से बिना वक्त गवाए हम वोट प्रतिशत रखते हैं आपके सामने कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी कौन कहां पर खड़ा है दक्षिण में। क्या दक्षिण में कमल ज्यादा खिलेगा या फिर कांग्रेस पार्टी बाजी मार लेगी? अब वो आंकड़े आपके सामने, सबसे पहले वोट प्रतिशत के जरिए रखते हैं। और ये देखिए, कुल 35 सीटों में से 47% यहां पर बीजेपी के खाते में। और यहां पर कांग्रेस पार्टी खराब करती हुई, साउथ में कांग्रेस खराब करती हुई 43.5% के साथ, जबकि अन्य 9.5%, यानी कि यहां पर दक्षिण में ऐसा लग रहा है कि कमल ज्यादा खिलेगा। ऐसा हो सकता है क्या संजय जी, वोट प्रतिशत के लिहाज से? बिल्कुल, वोट प्रतिशत के हिसाब से तो होने की गुंजाइश है। जिस तरह से राजस्थान का चुनाव पहले लग रहा था कि एक तरफा है, ये आंकड़े भी बताते हैं कि एक तरफा चुनाव नहीं है, कांटे का मुकाबला है। इस कांटे के मुकाबले में कुछ इलाकों में कांग्रेस बढ़त बनाती है बीजेपी पे, कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां बीजेपी कांग्रेस पर बढ़त बना रही है। और ये वो एक इलाका है दक्षिण का इलाका जहां बीजेपी से कांग्रेस से आगे है। हमने देखा था एक तरफा था, लेकिन राजस्थान में ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मुकाबला कांटे का होता चला जा रहा है। राजीव जी, जल्दी से इस पर एक आपकी टिप्पणी। जी हाँ, यहाँ पर भी जैसा संजय जी ने कहा कि एक तरफा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल, और दो क्षेत्र में बीजेपी अहेड है, अन्य क्षेत्रों में कांग्रेस अहेड है, तो सीसॉ बैटल चल रहा है दोनों में। अभी तक हमने ये देखा कि जहां पर कांग्रेस को वोट ज्यादा थे उनको सीटों में ज्यादा, बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, जबकि बीजेपी को कम हो रहा। अब जल्दी से सीटें हम देख लेते हैं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बीजेपी यहां पर अच्छा कर रही है कांग्रेस पार्टी के सामने, लेकिन बड़ा सवाल सीटों में कन्वर्ट होने पर, 35 में से 18 सीटें बीजेपी और सिर्फ 2 सीटें कम यहां पर कांग्रेस पार्टी, यानी कि कुल मिलाकर आपको बता दें दक्षिण राजस्थान में जैसा कि हमने वोट प्रतिशत में बड़ा गैप देखा था, सीटों में जब वो तब्दील हो रहा है तो उतना बड़ा गैप देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ 2 सीटों से पीछे है कांग्रेस पार्टी यहां पर। राजीव जी, महत्वपूर्ण बातें आपने कही थी। और अब मैं दक्षिण राजस्थान के एक्सपर्ट कुंजन आचार्य की टिप्पणी लेना चाहूंगी। कुंजन, वही सवाल,
वोट प्रतिशत में तो बड़ा अंतर था, लेकिन सीटों में जब वो तब्दील हुआ तो सिर्फ दो सीटों का फर्क रह गया। चित्रा देखिए, जो दक्षिणी राजस्थान की आप बात कर रहे हैं, दक्षिणी राजस्थान जिसको मेवाड़ कहते हैं, और अब तक के जितने विधानसभा चुनाव हमारे यहाँ हुए हैं उसमें ऐसा कहा जा सकता है कि राजस्थान की विधानसभा का जो सत्ता का द्वार है वो मेवाड़ से खुलता है, और मुझे लगता है यहाँ से खुलता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। पिछली बार 31 सीटें बीजेपी को मिली थी, 3 सीटें सिर्फ कांग्रेस को मिली थी, और इस बार भी हालांकि सत्ता का जो समीकरण है थोड़ा बड़ा ऊपर नीचे होता है जी, लेकिन ये जो सीटें हैं ये एग्जिट पोल की सीटें हैं, मुझे लगता है कि जब और ऊपर जाएगी तो अंतिम परिणाम 11 तारीख को जब आएगा तो और ठीक ठाक हो जाएगी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 11 दिसंबर ये वो तारीख है जिस दिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुए चुनावों के नतीजे आने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि राजस्थान में बीजेपी अपनी सत्ता बचा सकती है या गंवा सकती है। राजस्थान के 33 जिलों के 33 पत्रकारों से 200 में से 199 सीटों पर कौन सी पार्टी जीत सकती है, ये पूछा है हमने। तो चलिए देखते हैं कि राजस्थान के पत्रकारों के एग्जिट पोल में कौन सी पार्टी जीत रही है और कौन सी पार्टी हार रही है। रीजन वाइज एक एक करके आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे, और आपको बता दें 6 रीजन में हमने बांटा है राजस्थान। और अब दक्षिण राजस्थान लेकर चलते हैं आपको। दक्षिण राजस्थान की जनता क्या कह रही है उस पर नजर डाल लेते हैं। दक्षिण राजस्थान में कुल 35 सीटें हैं। एक एक करके आपको जिले के हिसाब से 7 जिलों में देखिए। सबसे पहला जिला बांसवाड़ा, 5 सीटें, 2 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी। भीलवाड़ा 7 सीटें हैं, 3 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस। चित्तौड़गढ़ 5 सीटें, 2 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी। डूंगरपुर 4 सीटें, 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस। यहां पर बराबरी का मुकाबला देखने को मिल रहा है। और ये दक्षिण राजस्थान का आखिरी जिला प्रतापगढ़, 2 सीटें, और ये दोनों ही कांग्रेस पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही हैं। राजसमंद में 4 सीटें हैं, 1 बीजेपी और 2 कांग्रेस पार्टी के पास। उदयपुर में 8, 1 बीजेपी और 5 यहां पर कांग्रेस, 2 पर अन्य को उदयपुर में बढ़त मिल रही है। और इस तरह से दक्षिण राजस्थान में कुल 35 सीटें हैं जिसमें से 11 को बीजेपी जीत रही है, 21 पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है, 3 अन्य के खाते में। 35 में से 21 सीटों पर दक्षिण राजस्थान में भी बढ़त, यानी कि अब तक जितने भी रीजन हमने आपके सामने रखे हैं कहीं पर भी बीजेपी आगे नहीं है, हर जगह वो कांग्रेस के पीछे खड़ी है। कुंजन आचार्य जी दक्षिण राजस्थान के एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। कुंजन जी, इन आंकड़ों पर आपकी टिप्पणी। देखिए, कल जो हम लोगों ने एग्जिट पोल का विश्लेषण किया था इसमें और इसमें थोड़ा आंकड़े में थोड़ा अंतर आ गया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस गेन तो कर रही है लेकिन इतना नहीं कर रही है जितना ये दिखाया जा रहा है। ठीक है, मूल मुद्दा जो था इश्यूज़ के बेस पे, तो सबसे बड़ी जो बात थी वो थी भीतरघात की। जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में जो सिटिंग एमएलए थे वो खुद बागी हो गए। इसके अलावा भी जो बीजेपी के साथ में जो लोग दिखाई पड़ रहे थे वो अंदर से दिखाई नहीं पड़ रहे थे, बाकी बाहर से वो लोग बागी बन गए थे। दूसरी जो इशू थी उसमें एक बाकी सारी चर्चाओं में एक चीज़ नहीं आई, बीटीपी एक पार्टी खड़ी हुई थी डूंगरपुर बांसवाड़ा में जिसने उदयपुर सीटों पर भी असर किया था। भारतीय ट्राइबल पार्टी, ये एक ऐसी पार्टी जिसने आदिवासी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एक बहुत बड़ी मुखर समस्या उठाई। उन्होंने कहा कि ये राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदिवासियों के साथ न्याय नहीं हुआ। बड़ी बहुत मजबूती से कांग्रेस उभरी है। कांग्रेस के लिए अगर ऐसी पार्टी स्थिति है तो इसके पीछे की वजह क्या है? मैं आऊंगी राजेश जी आपके पास। जरा मैं आखिरी रीजन हम ले लेते हैं, पश्चिमी राजस्थान। अपने एक तो एंटी इनकम्बेंसी लहर कमजोर थी इस क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान में। उसका कारण ये था, एक तो जो सरकार की नीतियों से लोग संतुष्ट थे और उससे ज़्यादा जब टिकटें बांटी गईं तो कांग्रेस ने जोधपुर में और पश्चिमी राजस्थान में जो टिकटों का बंटवारा किया वो बहुत सही करेगी। राजस्थान में पत्रकारों का एग्जिट पोल क्या कहता है ये आप देख रहे थे, लेकिन फाइनल नतीजे आंकड़े आएंगे 11 तारीख को और उसके लिए करना होगा आपको इंतजार। लेकिन सबसे तेज नतीजे आपको दिखाएगा सिर्फ एबीपी न्यूज। आप सभी मेहमानों का फिलहाल के लिए शुक्रिया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एक्सपर्ट का सबसे बड़ा पैनल मध्य प्रदेश के हर रीजन का हाल, राजस्थान के हर इलाके की बात, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में क्या होगा और इन नतीजों का 2019 पर क्या असर पड़ेगा। सबसे बड़ा एग्जिट पोल आज शाम 4 बजे से लगातार। एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे। तक स्थिति क्लियर नहीं।
नहीं हो पाई है, चाहे आप बात कर लीजिए राजस्थान की, चाहे आप बात कर लीजिए मध्य प्रदेश की, लेकिन यहाँ पर दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव भाटिया हैं हमारे साथ बीजेपी से, और कांग्रेस से आदिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार ईवीएम पर तो बहस चली रही है, लेकिन अब इन आंकड़ों पर भी बहस हो जानी चाहिए। सर, राजस्थान में एक भारतीय ट्राइबल पार्टी है जिसकी 2 सीटें आ गई, जीत ली उन्होंने। देखिए, दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर का कुछ हिस्सा, खेरवाड़ा का जो लगा हुआ है, उसमें भारतीय ट्राइबल पार्टी नाम से किस पार्टी ने अपने 10-12 कैंडिडेट उतारे और आश्चर्यजनक है कि 2 कैंडिडेट जीत भी गए। देखिए, बहुत बड़ी स्थिति है कि राजस्थान के माने क्या है। इसके माने ये है कि दक्षिणी राजस्थान में वे आदिवासी जो पढ़ लिख नहीं पाए, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, वो चाहते हैं हमारा हक मिले, क्योंकि जो सवाई माधोपुर का जो मीणा समाज है वो पढ़ लिख के आरक्षण का लाभ मिला उनको। देश भर में वो IAS IPS हैं, लेकिन ये जो कसक इनके मन में है दक्षिणी राजस्थान में कि हमें हम पढ़ नहीं पाए, हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाए। और एक एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा देखिए, दोनों से नाराजगी नोटा में भी दिखी, मतलब 8 सीटें ऐसी रही है जहां पर दोनों ही पार्टियों को नोटा ने ABP News आपको रखे